राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य इंद्रेश कुमार मेरठ पहुंचने के बाद शहीद स्मारक पर तिरंगा रैली का किया शुभारंभ। तिरंगा तिरंगा तिरंगा, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घर घर तिरंगा कार्यक्रम 75वें स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा ही मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य इंद्रेश कुमार ने मेरठ शहीद स्मारक पर तिरंगा रैली का शुभारंभ किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 1857 की क्रांति धरा जो मेरठ में है, यहां पर शहीदों ने अपनी शहादत दी थी और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऐसे शहीदों को नमन करने के लिए वह मेरठ आए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि धर्म, जाति और पार्टी से ऊपर उठकर हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लें। तिरंगा रैली में खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें 1857 की क्रांति धरा का या मेरठ का वह हिस्सा है जहां पर श्रवण कुमार ने भी अपने माँ बापू को डोली में बिठाकर कंधे पर बिठाकर यात्रा कराई थी। मेरठ एक ऐसी क्रांति धरा है जहां पर दुनिया में इसका नाम है। वीर गति को प्राप्त करने वाले शहीद यहीं से शुरू हुए थे। तिरंगा तिरंगा हर घर तिरंगा के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं हिंदुस्तान के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मोत्सव में हर घर तिरंगा की शुरुआत करते हुए सभी जनता से अपील की है। ऐसा ही नज़ारा आज स्वयंसेवक संघ के सदस्य इंद्रेश कुमार मेरठ पहुँचे। उन्होंने तिरंगा यात्रा में भाग लिया और लगे जय माता के नारे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अखंड न्यूज 24 से सुशील रस्तोगी की मेरठ से खास रिपोर्ट।